2010 की एक रात को 19 साल के सैम बॉलर्ड अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। तभी उन्हें एक स्नेल जमीन पर रेंगती हुई दिखाई दी और दोस्तों ने कहा कि अगर किसी में हिम्मत है तो वो उसे खाकर दिखाए। सैम ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और शराब के नशे में मासूम स्नेल को चखना समझ के खा गए। कुछ दिन के बाद उनके पैर में बहुत दर्द रहने लगा। फिर डॉक्टर के पास जाकर पता चला कि जो स्नेल उन्होंने खाई थी वो इन्फेक्टेड थी, जिससे एक रैट लंग वॉर्म नामक कीड़ा इनके दिमाग में घुस चुका था और सैम को मेनिनजाइटिस नामक बीमारी हो गई और 420 दिन के लिए कोमा में चले गए। फिर जब होश आया तो पूरा शरीर पैरालाइज हो चुका था, यानी कि उनकी आत्मा एक बिल्कुल बेजान शरीर के अंदर कैद हो गई थी, जिसके बाद वो कभी ठीक नहीं हो पाए और 2018 में उनकी आत्मा उस बेजान शरीर से हमेशा के लिए निकल गई।